नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। ऋषिकेश व्यासी के पास ताज होटल के 82 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, 2 दिन के लिए होटल बंद। देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच व्यासी में स्थित ताज होटल में अभी तक कोरोना संक्रमण के 82 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद प्रशासन ने होटल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। सभी कोरोना संक्रमित होटल के कर्मचारी हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 366 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भाजपा ने सल्ट उपचुनाव के लिए महेश जीना को घोषित किया प्रत्याशी। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। भाजपा ने इस उपचुनाव के लिए स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाया है। सल्ट उपचुनाव पर किशोर उपाध्याय ने कहा, सीएम तीरथ और हरीश रावत लड़े चुनाव, तब रोचक होगा मुकाबला। सल्ट विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा ने महेश जीना को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर मोड़ में है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सल्ट से उपचुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में चुनाव और भी रोचक होता। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला, BDC सदस्य और सुरक्षा कर्मी की मौत। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर क्षेत्र में सोमवार को नगरपालिका कार्यालय के बाहर हुए आतंकी हमले में ब्लॉक विकास परिषद के एक सदस्य और उनके निजी सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई तथा एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। संतों के साथ IG संजय गुंजाल ने हरिद्वार में खेली फूलों की होली। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान होली के त्योहार पर अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। निरंजनी अखाड़े द्वारा होली के पावन अवसर पर फूलों की होली का आयोजन किया गया। होली के कार्यक्रम में तमाम साधु संतों ने फूलों की होली खेली। इस दौरान साधु संतों के साथ कुंभ मेला IG संजय गुंजाल ने भी जमकर ठुमके लगाए। साधु संतों ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मसूरी में होली की धूम, बॉलीवुड के गानों पर जमकर थिरके पर्यटक। मसूरी में लोगों ने जमकर होली का लुत्फ उठाया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होली के कार्यक्रमों में सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने भाग लिया। शहर घूमने आए पर्यटकों ने नाच गाकर जमकर होली खेली। आग लगने से गेहूं की फसल हुई राख, किसानों ने की मुआवजे की मांग। होली के दिन वन कटिया गाँव में गेहूँ के खेतों में अचानक आग लग गई, जिससे 1 एकड़ से ज्यादा की गेहूं की फसल राख हो गई। हालांकि सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। वहीं पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कुमाऊनी होली के कायल हुए सैलानी, जमकर थिरके और लगाया अबीर गुलाल। सरोवर नगरी में भी होली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने रंगों के त्योहार होली को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान पर्यटक कुमाऊनी गीतों पर जमकर थिरके और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली मनाई। साथ ही उन्होंने कुमाऊनी संस्कृति और यहां मनाए जाने वाले पारंपरिक होली की जमकर तारीफ की। होली के बाद धूम में बढ़ सकती है कोरोना संक्रमितों की संख्या। अस्पताल में रिजर्व किए गए 110 बेड। मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए दून अस्पताल में 110 बेड रिजर्व रखे गए हैं। इस बार होली पर जमकर बिके आशा ग्रुप के बनाए ऑर्गेनिक रंग। इस बार होली के लिए आशा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनिक रंगों की खूब खरीदारी हुई। आशा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष आशा सिंगवाल ने बताया कि उन्होंने होली के उपलक्ष्य में भारी मात्रा में ऑर्गेनिक रंग तैयार किए थे। नन्ही दुनिया की सृजनात्मक होली, गरबा ने मोहा रंग। नन्ही दुनिया समाज सेवी संस्था द्वारा सृजनात्मक व सादे तरीके से होली मनाई गई। रंगारंग गरबा की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। मत मारो शाम पिचकारी रंग शाला के कलाकारों की प्रस्तुति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने ऋषिकेश में खेली होली, सबकी समृद्धि की कामना। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शहरवासियों के साथ होली खेली। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। असम राइफल्स के जवान के साथ एक जमीन के नाम पर धोखाधड़ी, 86 लाख रुपए। देहरादून के असम राइफल्स में तैनात जवान चंद्र मोहन सिंह के साथ जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने 2 आरोपियों के खिलाफ रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। होली के रंगों में रंगे पूर्व CM त्रिवेंद्र प्रदेशवासियों को दी बधाई। सुबह से ही लोग होली के रंग में रंगने लगे थे। सभी एक दूसरे को बधाई देकर होली मना रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने आवास पर बड़ी सादगी के साथ होली मनाई। लक्सर में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी, 2 आरोपी गिरफ्तार। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी के दौरान 147 लीटर अवैध शराब, अवैध शराब की भट्टी और उपकरण बरामद हुए। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने खेली होली, प्रदेश वासियों को दी बधाई। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि वे सादगीपूर्ण तरीके से होली मनाएं ताकि कोरोना से भी बचा जा सके। सरकार भूली तो गौरी के ग्रामीणों ने कर दिया तप्त कुंड का पुनर्निर्माण, 8 सालों से कर रहे थे मांग।
गौरी गांव के लोगों ने सरकार को आईना दिखाते हुए श्रमदान कर तप्त कुंड का पुनर्निर्माण किया है। 8 साल से तप्त कुंड निर्माण की मांग की जा रही थी। होली पर नरेंद्र गिरी की अपील, भगवान पर रखे भरोसा और रखे सतर्कता। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि आज के समय में कोरोना नामक राक्षस पूरे विश्व पर खतरा बना हुआ है, ऐसे में भगवान पर भरोसा रखना और सतर्कता बरतनी है। उत्तराखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, इन इलाकों में लगाया गया लॉकडाउन। जिस तेजी के साथ उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। देहरादून जिला प्रशासन ने देहरादून नगर निगम के एक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, यानी यहां पर पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि नेहरू कॉलोनी के मकान नंबर 144 के आसपास का इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहाँ पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही है। पुलिस को भी सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के प्रतिष्ठान, कार्यालय और बैंक पूरी तरीके से बंद रहेंगे। घर के एक सदस्य को दैनिक आवश्यकता की सामग्री के लिए सरकारी मोबाइल दुकान में सामान खरीदने की अनुमति है। जिला पूर्ति अधिकारी कंटेनमेंट जोन में फल सब्जी समेत अन्य सामग्री की व्यवस्था कर सुनिश्चित करेंगे। कंटेनमेंट जोन में यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत के कई हिस्सों में आगामी दशकों में चलेगी कम असरदार गर्म हवाएं। शोध जनरल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स द्वारा हाल में ही प्रकाशित एक अध्ययन में बढ़ते तापमान के संबंध में एक चौंकाने वाला मुद्दा सामने आया है। इसके दक्षिण एशिया में और ज्यादातर भारत में गंभीर परिणाम होंगे। आने वाले समय में गर्म हवाएं, जिनका तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, इनके परिणाम घातक हो सकते हैं। दक्षिण एशिया के लिए आने वाला समय कठिन भी हो सकता है, लेकिन इससे बचाव संभव है। भारत में ई वाहनों की मांग 3 साल में होगी दोगुनी से ज्यादा। इलेक्ट्रिक वाहनों की गिरती कीमतों के बाद अब देश में इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने का चलन बढ़ रहा है। सरकारी सहायता मांग को बढ़ा रही है और इन ग्रीन व्हीकल्स को अपनाने में लगातार वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों और ICE वाहनों के बीच अंतर को कम करने के लिए फेम इंडिया योजना चरण के तहत मांग प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन किया जा रहा है। इथेनॉल और मेथेनॉल, ईंधन पर चलने वाले परिवहन वाहन और बैटरी संचालित परिवहन वाहनों को परमिट की जरूरत से भी छूट दी है।